गुड मॉर्निंग एवरीवन, शिक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। बायो का नेक्स्ट टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ बॉडी के वह पार्ट जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। रासायनिक पदार्थ, एंजाइम, हार्मोन। हमारी बॉडी में कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं जो एंजाइम का श्रावण करती हैं और कुछ हार्मोन का श्रावण करती हैं। ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन का श्रावण करती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं, और जो एंजाइम का श्रावण करती हैं बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एडिनल ग्रंथि, ये चारों हार्मोन का श्रावण करती हैं। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का श्रावण करती है, इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में फर्स्ट है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। यह मस्तिष्क में रहती है, इसे मास्टर ग्लैंड और सेल टर्शिका बोलते हैं। इस ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन निकलता है जिसे ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। शरीर की वृद्धि हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण करती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। सेकेंड है थायराइड ग्रंथि। ये मनुष्य के गले में श्वास नली के ठीक नीचे स्थित होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। टीएसएच हार्मोन ही थायराइड ग्रंथि को हार्मोन श्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। आयोडीन की अधिक मात्रा होती है जिसको एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर कहते हैं। इसका कार्य है पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करती है। इस हार्मोन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। अगर थायरॉक्सिन की कमी होती है तो आयोडीन की कमी होगी, जिसकी कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। थर्ड है पैराथायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि के पीछे साइड में पैराथायराइड ग्रंथि होती है। इससे निकलने वाले हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करते हैं। ये इसमें दो हार्मोन होते हैं, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा घट जाती है तो पैराथायराइड हार्मोन, और ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो कैल्सिटोनिन हार्मोन। इन हार्मोन के अनबैलेंस होने से पथरी हो जाती है, जिसे कैल्शियम ऑक्सीलेट या CaCO3 बोला जाता है। फोर्थ है एडिनल ग्रंथि। ये ग्रंथि जीवन रक्षक होती है। ये जीवन रक्षक हार्मोन उत्सर्जित करती है, क्योंकि इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स मनुष्य के शरीर के रक्तचाप को कंट्रोल करते हैं। इनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, कॉर्टेक्स, मेडुला। कॉर्टेक्स भाग से ग्लूकोकॉर्टिक डिवाइस हार्मोन्स निकलता है। ग्लूकोकॉर्टिकोवाइड्स ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा को नियंत्रित करने का काम करता है। और मेडुला से एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है, जो दिल की धड़कन एकदम बंद हो जाती है उसे चालू करने का काम एपिनेफ्रिन हार्मोन करता है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, कॉर्टिक्स में दिक्कत आने से एडिशन रोग हो जाता है। अगर कॉर्टिक्स कार्य करना बंद कर दें तो इंसान की 2 हफ्ते के अंदर मृत्यु हो जाती है। एडिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट है अग्नाशय, मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय के एक भाग में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसकी कमी से डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है।